सोनोटेक कैसेट्स। तो तू है, तू क्या समझता है मैं तुझे पहचानूंगा नहीं? मैं समझ गया, तू वही भूत है ना जिसने मुझे पेड़ से बांध दिया था। इस बार भेष बदल कर आया है। नीचे आ, आ नीचे। तू नीचे आता है या मैं ऊपर आऊं? भूत? अच्छा, मैं भूत बन गयो और मुझे पता भी ना चली तेल लगाए के। क्या सोच रहा है, है? क्या सोच रहा है तू? मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। भैया मैं तो जिंदो आदमी हूँ, मरो ना हूँ, तुम मुझे भूत बना रहे हो। मैं ना हूँ भूत, अम्मा की सौगंध। भाई तू मुझे पागल समझता है? जो तू कहेगा मैं मान लूंगा। तू भूत है, भूत, वही भूत है ना? भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो जिंदा आदमी हूँ। लग तो नहीं रहा है जैसे ये जिंदा हो। अच्छा तो अपना नाम बता। मैं तो लुक्का हूँ, तुम कौन हो? का नाम है तुम्हारो तेल लगाए के? मैं शेख चिल्ली हूँ। हाँ, शेख चिल्ली। शेख चिल्ली? हाँ, तुम वही लुक्का हो ना जो अपनी ससुराल में फटा पजामा पहनकर गया था। कम्बो का लुक्का है, हो ना वही लुक्का? रिंकी मैं आएगो तो को केला लेके आये हूँ तेल लगा के। हाँ, मैं वही लुक्का हूँ तेल लगाए के। भाई जाने एक बात बताओ। पूछो जी। तुम ससुराल में साइकिल के लिए रुके थे, मिल गई? भैया जोर तो पूरे करे तेल लगाए के। अच्छा, पर नसीब ही खराब निकलो तेल लगाए के। कैसे? साइकिल तो बड़ी चीज है, साइकिल को फोटो भी ना दियो तेल लगाए के, घर से और निकाल दिए। अच्छा, तभी तुम पेड़ पर रहने लगे हो? तब से ही शुरू कर दिया तुमने पेड़ पर रहना? कहाँ जाऊं, क्या करूं भैया? बुरा हुआ भाई तेरे साथ लुक के। अम्मा ने तो बहुत ही मने करी, मैंने एक ना मानी, ससुरार को चलो गयो। अब घर कैसे जाऊं? अम्मा बहुत ही मारेगी, डर के मारे पेड़ पे ही रहूं। चिंता मत कर, हैं? चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं, चल मेरे साथ। यार मैं सोच रहा हूँ। कहाँ सोच रहे हो भैया? अरे सोचने तो दे। मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर कोई बिजनेस कर लें। अरे हाँ, ये तो ठीक सोची, पर का बिजनेस करें तेल लगाए के? मेरे दिमाग में हजार आइडिये। तो निकालो जल्दी तेल लगाए के। ऐसा करते हैं, फिल्म बनाने का काम शुरू कर देते हैं। हाँ। अब तो घर घर में लोग फिल्म बना रहे हैं। फिल्म? पतो है तू कितने रुपए लगे फिल्म बनाने में, और हमारे पास फूटी कौड़ी भी ना है। अबे अपना पैसा लगाकर बिजनेस किया तो क्या किया? अरे मजा तो उसमें है, दिमाग हमारा, पैसा दूसरों का, और लखपति हम। अच्छा, हो कोई मीजान बिठाएंगे, हाँ कोई मीजान बिठाएंगे। चलो शहर को भैया पैसा कमाएंगे, हो कोई मीजान बिठाएंगे, हो कोई मीजान बिठाएंगे।
धीमी जान बिठाएंगे। अच्छी सी जगह पे भैये दफ्तर हम बनाएंगे, दफ्तर के ऊपर एक सुंदर बोर्ड हम लगाएंगे, दफ्तर की खातिर बढ़िया सी कुर्सी मेज मंगाएंगे, दफ्तर की खातिर बढ़िया सी कुर्सी मेज मंगाएंगे। हो गेट शीशे का लगाएंगे, हाँ गेट शीशे का लगाएंगे, ऐब करेंगे पूरे तरक्की जब ही पाएंगे। हो कोई मी जान बिठाएंगे, हाँ कोई मी जान बिठाएंगे। जो भी काम मांगने आवे वाकू हम बतलाएंगे, पास बिठाई के धीरे धीरे वाकू हम समझाएंगे, काम मिले गोदाम लगेंगे सबको पाठ पढ़ाएंगे, काम मिले गोदाम लगेंगे सबको पाठ पढ़ाएंगे। हो फिर ना हम शर्माएंगे, हाँ फिर ना हम शर्माएंगे, दुनिया पैसा लेके डोले वाय कब जाएंगे। हो कोई मी जान बिठाएंगे, हाँ कोई मी जान बिठाएंगे। घर में अब धंधे चल रहे फिल्म बनाने के, गली गली में हीरो डोले नए जमाने के, हमका इनते पीछे हैं भाई बिल्कुल ना शर्माने के, हमका इनते पीछे हैं भाई बिल्कुल ना शर्माने के। हो नोट हम खूब कमाएंगे, हाँ नोट हम खूब कमाएंगे, मीठे स्वर में सुशील सोनो टैक में गाएंगे। हो कोई मी जान बिठाएंगे, हाँ कोई मी जान बिठा। कोई पागल ढूंढ लियो जो हमें रुपया देगो ठिकाने लगाने को। दुनिया में एक तुम ही समझदार हो, और तो सब मूरख है तेल लगाए के। अबे मेरी बात सुन। सुना? पूरी बात सुनी नहीं, बकना शुरू कर दिया। अब बता दे। हम अपना इश्तहार छपा कर लोगों में बांट देंगे। ठीक। जिसमें लिखा होगा शीघ्र चाहिए, हीरो हीरोइन, विलेन, कॉमेडियन, गीतकार, संगीतकार, जूनियर कलाकार वगैरह वगैरह, वो भी सब नए। अब जो भी हमारे यहां आएगा हम उससे चांस देने के बदले पैसा मांगेंगे। बहुत ही ठीक तेल लगाए के। आजकल फिल्म में चांस पाने के लिए लोग हाथों में पैसे लेकर घूमते हैं, समझा कुछ? बात तो तेरी ठीक है, पर पीछे का होएगा जब जनता हमें जान जाएगी तेल लगाए के। अबे दुनिया तो मुझे बेवकूफ समझती है और तू मुझसे भी बड़ा बेवकूफ है। बाद की बाद में सोचेंगे, जो लोग पहले की सोचते हैं वही तरक्की करते हैं, इसलिए आगे की सोच आगे की, पीछे की छोड़। ठीक है भैया, जैसा तुम ठीक समझो मैं तो तुम्हारे संगू तेल लगाए के। ये हुई ना बात, चलो प्रोग्राम तैयार करते हैं। चलो भैया। शेख जी, तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत ही ठीक रहे हो तेल लगाए के। अबे देखता जा देखता जा। हमते मिलने को पब्लिक लाइन लगा के ठाड़ी है, बहुत ही भीड़ है, बाहर कैसे समारोगे तेल लगाए के।
अभी तो शुरुआत है शुरुआत। ये लोग ही हमें लखपति और करोड़पति बनाएंगे, यही लोग, देखता जा तू। अच्छा ये बता, अब तक कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 2 किलो पे तराजू झुक रही है। गिनती ना करी मैंने तेल लगाए के, तुम कहो तो दोबारा तोल लंगो तेल लगाए के। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, भेजो एक एक करके भेजना। जी साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो, बोलो। जी मुझे तो आप हीरो बना दो। हीरो? अबे शक्ल देखी है शीशे में, हीरो बना दो। हीरो बनूंगा, आया हीरो बनने। मैं इतनी आफत कूट रहा हूं, मैं पागल हूं, और हीरो तुझे बना दूं, मूर्ख कहीं का। जब भी फिल्म बनाऊंगा ये रोल तो मैं खुद करूंगा, हाँ ये रोल नहीं किसी को देने वाला। देख भाई, हीरो तो हम तुझे बना देंगे। ठीक है जी। हीरो बनने के लिए तुझे 50,000 रुपए जमा करने होंगे, बोल देगा? रुपए तो आप 50 की जगह 60,000 ले लो, पर बनूंगा हीरो ही। ठीक है, तो ठीक है, तुम उन साहब के पास में रुपए जमा करा दो और समझो हीरो बन गए। ठीक है जी। साहब पैसे लाओ जी, लाओ जी लाओ। भैया नसीब को बड़ो धनी है तू, तेल लगाई के। साहब कैसे? कितने आदमी आए या रोल के लैया, बाबूजी ने सब तैनाई कर दई, तुम ते हाँ कर दई, बस तुम्हारी तो किस्मत बदल गई, दिन फिर गए अब तो तेल लगाए के, समझो भाग दौड़ बढ़ गई आज ते। साहब हमें तो आपका ही आसरा है। पूरा पूरा, अब जाओ आप तेल लगाए के। नमस्ते साहब। ठीक है तेल लगाए की। बड़ो आयो हीरो बनने वारो। अरे जब हमें तेरी का जरूरत है तेल लगाए की। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, मैं आ जाऊँ? जी हाँ आओ आओ बैठो। मैंने तो तुम्हें देखते ही फैसलो कर लियो, तुम ही बनोगी मेरी हीरोइन। हैं? वाह बेटा वाह, सोचूं मैं, मेहनत मैं करूं और हीरोइन को तू ले जाए। बेटा मैं भी शेख चिल्ली हूँ, शेख चिल्ली, ऐसा वैसा नहीं हूँ। क्या पियेंगी आप? चाय, दूध, कॉफी, मट्ठा या कुछ और? बताइए क्या लेना पसंद करेंगी? जी कुछ नहीं, मैं तो एक रोल चाहती थी आपकी फिल्म में, अब उन्होंने मुझे हीरोइन बनाने का फैसला कर ही लिया तो मैं भी पीछे नहीं हूँ। क्यों नहीं? साले तेरा बाप भी कभी हीरो बना था है? जे तू बनेगा, तुझे तो इसी हीरोइन का बाप बनाऊंगा, बाप। तो मुझे कितने पैसे जमा करने होंगे? एक भी ना। तुम्हें पैसा जमा करने का जरूरत है? तुम्हें तो फ्री में हीरोइन बनाऊंगा। का नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है रंगीली। कितनो अच्छो नाम है तेल लगाए की। राजी होले बेटा, राजी होले, बताऊंगा। अब मैं जाऊं? जी आपका रोल पक्का, पक्का जी आपका रोल, आप जा सकती हैं। थोड़ी देर पीछे चली जाइयो। नेक जी सो लग रो। क्या? कुछ नहीं जी कुछ नहीं, आप जाइए। क्यों बे, लड़की को देखते ही पागल हो गया हैं? हीरोइन बनाएगा? अबे कौन सी फिल्म बना रहे है तू? मैं तो नौकरी चाह रहे हो, तुम बहुत अच्छी हो, पतो ना मुंह में ते का निकल गई। अकल तो है नहीं, सोच समझ कर बोला कर, कहीं ऐसा ना हो करोड़पति बनने से पहले ही हमारी पोल खुल जाए। समझाया समझाऊं? समझ गए हो, अब ना कहूंगो काई ते।
अरे मैं तो बर्बाद है गोरे। अरे उनको पैसा देने के लिया मैं तो अपने बैंक को अकाउंट खत्म करके लायो हो। अरे मैं तो अपनी बीवी के गहने बेचकर पैसे लायो हो। तुम अपना रोना धोना बंद करो, मैं तो तुम सबसे ज्यादा बर्बाद हुई हूँ। पिक्चर में काम करने के लालच में मैंने जो पैसा जमा किया था वो पैसा मैं अपने पति को बेच कर लाई थी। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा क्या होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह मियाँ दूसरा दे देगा, मैं हूँ ना। हट मुए। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो ये मोहतरमा नाराज हो गई। मैं भी तो अपनी बीबी को बेचकर पैसा लाया था। मैंने तो ये सोचा था इनका और मेरा दुख एक ही है। अब क्या करें? अरे करना क्या है, उनको ढूंढेंगे और अपना पैसा वसूलेंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ ये ठीक रहेगा। चलो जी, चलो चलो जी, ये ठीक रहेगा। हाँ जी, चलो चलो भाई, चलो। अम्मी जान, आजा यार आजा, डर मत, ये मेरा ही घर है, आजा आजा। अम्मी कहाँ हो तुम? कौन है तू? कहाँ था इतने दिनों तक? और ये कौन है? अम्मी ये मेरा दोस्त है। हाँ दोस्त है ये मेरा, हम दोनों एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। लो एक क्या कम था जो दूसरा भेज दिया अल्लाह मियाँ ने। अम्मी ये बहुत अच्छा है। हाँ हाँ तेरे जैसा ही होगा जैसा तू है। अम्मी अम्मी समझदार हो गया हूँ, हाँ पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है ये बता तू था कहाँ अब तक? मैं तो काम की तलाश में गया था। तो मिला कोई काम? हाँ अम्मी ये देखो पैसे कमा कर लाया हूँ। अरे मेरे दोनों लाडले बेटे कितने अच्छे हैं, अपनी अम्मी का कितना ख्याल रखते हैं। पम्मी तुम कितनी अच्छी हो, है नी तेल लगाए के। ओए पम्मी ना अम्मी बोल, अम्मी पम्मी। अबे पम्मी ना अम्मी, अम्मी जान बैठो मैं कुछ खाने को लाती हूँ। मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, हाँ बस कभी कभी झाड़ू से मारती हैं। झाड़ू से? हाँ वैसे बहुत अच्छी हैं। हाँ अल्लाह मियाँ सबको ऐसी अम्मी दे। लो बेटा तुम दोनों खाना खाओ और मैं पानी लाती हूँ। अम्मी जान अब मुझे वापस जाना है। क्यों बेटा, रुको दो चार दिन। पम्मी जान हमने शहर में नयो काम शुरू करो, बस वहीं जाएंगे, तुम अल्लाह मियाँ ते कीजो, हमारो काम खूब चले, फिर तो हमारी जीवन में खूब पैसा होंगे। बेटा मेरी तो दुआ सदा तुम्हारे साथ है, तुम खूब कमाओ, अच्छे बनो, नेक बनो। अच्छा अम्मी अब हम चलते हैं, ठीक है जल्दी वापस आएंगे और तुम्हारे लिए बहू भी लेके आएंगे। हाँ जाओ बेटा जाओ, अपने काम में खूब तरक्की पाओ। वो सारे शहर में रुका सिख चिल्ली संग है लुका, मत समझो ऐसो वैसो आओ तुम्हें दिख
पछारो यारन को ये यार है प्यारो दुश्मन को यन सदा पछारो जो या तू आंख दिखावे बाकी डाल पे मारे देख मिया चलो घूमने चल रहे हैं। बहुत दिन आते घर में परे परे मन ना लग रहे हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ताकि बाहर कोई हमें पहचान जाए और अपना पैसा वसूल करने के लिए हमारे कपड़े फाड़ डाले। अबे जब तक पब्लिक शांत नहीं हो जाती, हमें भूल नहीं जाती, तब तक यहीं पड़े रहो चुपचाप। हाँ शेख जी, शेख जी, अरे घर में शेख जी है क्या? ये कौन आ मेरा है, कहीं कोई कर्जिया तो नहीं? तू ऐसा कर, जल्दी लंबा होकर लेट जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाय अल्लाह, अरे ये क्या हो गया रे, अरे ये तो अनर्थ हो गया। ये कैसे हुआ सब? जैसे सबका होता वैसे ही हो गया जी। अच्छा जी। कोई शक है क्या? नहीं जी, शक कैसा, अचानक हुआ क्या? नहीं, पूरे प्लान के साथ हुआ। कमीना कैसे कैसे सवाल किए जा रहा, यहाँ तो लाज पड़ी है और वो पुलिस की तरह सवाल पूछ रहा है, कैसे हुआ, कब हुआ। अल्लाह मियाँ इसको भी उठा ले। हिली हिली, ये लाश हिली, ये जिंदा लाश है। अबे पागल हो गया, लाश भी कभी जिंदा होती है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये लाश हिल रही थी। अबे बावले दो घंटे से एक ही करवट पड़ी है, लाश थकेगी नहीं क्या? अबे जब लाश थकेगी तो क्या करवट भी नहीं बदलेगी? पड़े पड़े थक गई इसलिए करवट बदल ली होगी, इसमें क्या हैरानी की बात है? हिली हिली। तो ये बात है, यार को भगाने के लिए अच्छा तरीका निकाला है तुमने, पर मैं भी पूरा हूँ, आसानी से भागने वाला नहीं हूँ। अच्छो न्यो बता, कैसे आयो और कब तक टिकेगो? अकेली आयो, दिल लगाए के? अकेला मैं कहीं जाता हूँ, एक और है, उसे भी बुला ले। आजा भाई आजा। एले मैं तो आ गई, सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। आ हाय ओ जुल्मी मेरी जान, अरे सुनना रे आ गया, ओ जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई सात समंदर। कौन है ये कर्तव्य है? वो तो ठीक है, पर ये है कौन? ये मेरा कर्तव्य है। अबे ये तेरा ही कर्तव्य हो सकता है, मैं इसका नाम पूछ रहा हूँ। इसका नाम ही तो कर्तव्य है। अच्छा या को नाम कर्तव्य, ये तो साँच माच को कर्तव्य है। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। आ हाय तो मार देना गोली, घबरा काहे को रिया है? ऐसे कब से हो तिल लगाए के? मैं बचपन से। यहाँ कब तक रहोगी? तुम गए साथ देना का
वादा करो मैं यूं ही मस्त नगम्य सुनाता रहूं। होए का बाबरी कुत्ता ने खाया हो जो बुराई को दावत दऊं। क्या भैया अपनी भी क्या जिंदगी है, क्यों का हुई अच्छी तो है भाई, क्या खाक अच्छी है। दुनिया बेवकूफ कहती है, अम्मी भी बेवकूफ कहती है। जो जैसा होएगो वैसे ही तो कहेंगे। का मतलब हम पागल हैं, बेवकूफ हैं, हैं? मैंने कब कहिए, तुम तो खुद ही कह रहे हो तेल लगाए के। देख भाई लुक के मुझे बेवकूफ मत कहियो, मुझसे ज्यादा समझदार तो पूरी दुनिया में कोई है ही ना। अच्छा हाँ जी, मेरी एक कहानी सुन ली ना, बस गुरु मान लेगा, गुरु पैर पकड़ लेगा उसी दिन। मैं तेरे पाँव पकड़ूंगा, अपना काम कर तेल लगाए के। अच्छा एक काम कर, मैं अपनी सुनाऊंगा, तू अपनी सुना, आप पता चल जाएगा कौन गुरु है और कौन चेला। ठीक है तो सुना तेल लगाए के। सुन, एक बार मैं साइकिल पे जा रहा था। साइकिल पे? तो पे ही साइकिल, और नहीं तो क्या, दो पहिए वाली थी, दो पहिए वाली। ए भाई तू पागल समझ रहे हो तेल लगाए के। कैसे साइकिल में दो ही पहिए होए तेल लगाए के? देख भाई लुक के बीच में मत बोलिए। हाँ बिल्कुल मत बोलिए बीच में। ठीक है आगे बता। हाँ तो मैं साइकिल पे जा रहा था। ठीक, मैंने पीछे मुड़कर देखा, चांद मेरा पीछा कर रहा था। चांद? हाँ हाँ चांद, पर मैं भी पूरा हूं। वो कैसे? मैंने साइकिल तेज कर दी। अच्छा हाँ जी, फिर का चांद ने भी अपनी चाल बढ़ा दी। फिर का हुयो तेल लगाए के? फिर का हुयो, मैंने एक पत्थर उठाया, पत्थर जाने ना पत्थर, मैंने एक पत्थर उठाया और चांद को दे मारा। फिर क्या, पत्थर का चांद को लगना हुआ, चांद जमीन पर आ गिरा। बस अबे इतनी बड़ी बात बताई और तू मुंह बना रहा है, हैं? बड़ी बात को कोई तेरे तीन ना मार दियो। हमने दो दो ईद मनवाई है चांद ते, पता हो तो को तेल लगाए के। भैया साल में दो ईद तो वैसे ही मनाई जाती हैं, तेने कौन सा नया काम कर दिया। ऐसो ना। और कैसे? सुन तो सही। सुना? पहले मुए पतंग उड़ाने को बहुत शौक हो तेल लगाए के। पतंग की डोर मेरे हाथ में आई, समझो पतंग मेरे इशारे पे नाचने लगी तेल लगाए के। बहुत खूब भाई बहुत खूब, तू पागल समझ रहे हो हमें, हैं भाई? भाई जिसके हाथ में पतंग की डोर होगी पतंग तो उसी के इशारे पर चलेगी। मैं तो जब जानू, जब कटी हुई पतंग को अपने इशारे पे चला के दिखा दे। वो बता जो बताने वाला था। सुन ले, ईद को सो टेम हो, एक पतंग कट के हमारी छत पाए के गिर गई तेल लगाए के। मैंने पतंग लूटने को जैसे ही सिर मुंडेरते बाहर निकालो, हल्लो मच गो तेल लगाए के चांद निकल आयो, चांद निकल आयो। तेरी जुगाड़ जैसी शकल देख के हल्ला मच गो। भाई बहुत ठीक शकल ना, चांद ई चांद को देख तेल लगाए के, या चांद ने दो फेरा ईद मनवाई है। वाह बेटा, फेंकने में तो तू भी मुझसे आ गया। मैं इसका बना रहा था, ये मेरा बना रहा, पर मैं भी बेटा तुझसे बड़ा हूं। ऐसे हार नहीं मानूंगा, तुझे तो मैं हरा के मानूंगा, हरा के। हाँ तेरा तो मैं वो हाल करूंगा, तू भी याद रखेगा। हाँ सारी जिंदगी याद रखेगा तू। चौ शेख जी निकल गई ना हवा, मैं भी लुक्का हूं तेल लगाए के, मुए बनाने की कोशिश कर रहे, मान लई तुम बड़े हो। हैं बड़े तो ठेली पे बिके चाराने के, दो तेल लगाए के। आय हाय क्या मैं अंदर आ जाऊं।
हाँ आ और जा तेल लगाई के। हाय नाराज क्यों होते हो, मैंने तो बस अंदर आने के लिए ही तो पूछा है। तुम्हें पूछने का जरूरत है तेल लगाए के? तुम्हें आने थे तो वानिम ना रोको, तो हम कैसे रोक लेंगे तेल लगाए के? आप गुस्सा मत करो, गुस्सा करना बुरी बात है। तुम जा रहे हो या ना तेल लगाए के? शेख जी या थे कह दो मोते दूर रहे। अरे गुस्सा मत करो भाई, गुस्सा मत करो, ये हमारे मेहमान हैं, मेहमान। हाँ वही तो, गुस्सा अच्छी चीज नहीं है। अब तुम जाओ यहाँ तेल लगाए के शेख जी, या बुराई को निकालो जल्दी ते। मैं भी यहाँ बैठने नहीं आई, मैं तो ये बताने आई हूँ बाहर एक मोहतरमा खड़ी है, उन्हें अंदर भेज दूँ या वापस भेज दूँ? मोहतरमा भेज, अंदर भेज। आओ आओ बैठो, कैसे आना हुआ? काफी ढूंढने के बाद मालूम हुआ कि आप लोग यहाँ हैं। आप दोनों तो बस गायब भी हो गए। आपने मुझे हीरोइन बनाने का वायदा किया था, मैं तो इंतजार ही करती रही। बस कहानी पर काम चल रहा है। हाँ जैसे ही कहानी पूरी होती है फिल्म बनाना शुरू कर देंगे और आपको हीरोइन बना देंगे। हाँ अभी तक कहानी भी नहीं लिखी। वैसे है कौन साहब जो इतनी धीमी गति से कहानी लिख रहे हैं? एक मेरे दोस्त हैं। हाँ दोस्त, यही बुलंदशहर में ही रहते हैं, राणा जी। बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं, बहुत अच्छी। हाँ बस पूरी होने वाली है। हाँ शेख जी से मीठी मीठी बातें कर रही है, अभी तभी में नो समझ रही होगी, लुक का ना जाने अगर मगर बोलनी। आपको एक बात बताऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ बताओ, जरूर बताओ। ओए इसते ना मुझते बता, जब मैंने कह दी तुझते। जब से आपने मुझे अपनी हीरोइन बनाया है तब से मुझे तो ख्वाब भी बस आपकी फिल्मों के आते हैं। अच्छा? हाँ मैं ख्वाब में देखती हूँ मैं आपकी फिल्मों में काम कर रही हूँ। अच्छा? हाँ और हर रोज एक नई फिल्म बना रहे हैं। आपका नाम दुनिया में चारों ओर फैल रहा है। ठीक, शेख जी की ये फिल्म, शेख जी की वो फिल्म। वैसे आपने अपनी फिल्म का नाम क्या रखा है? ओए फिल्म का नाम मैंने धरो है तेल लगाए के। शेख जी तो पैसा लगा रहे हैं और डायरेक्टर है, हीरो ना है, फिल्म को हीरो मैं हूँ। मैं नहीं, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ तेल लगाए के। आप दोनों लड़ो मत, दोनों हीरो बन जाओ, मैं दोनों की हीरोइन बन जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, ठीक है। क्यों ना मैं अकेला ही हीरो बन जाऊं। हाँ क्यों ना मैं अकेला ही हीरो बन जाऊं तेल लगाए के। कैसे पागल है जो मेरी चाल नहीं समझ पा रहे। हीरो तो मैं बनाऊंगी, तुम दोनों एक बार मेरी चाल में तो फंस जाओ बस। कैसे अलग अकेले में उससे मिलूंगा? हाँ समझाऊंगा, उसे मनाऊंगा। मानेगी तो ठीक है, वरना मैं कौन सी फिल्म बना रहा हूँ। मैं तो तू समझाऊं, तू सुन मेरी प्यारी। मैं तो तू समझाऊं, तू सुन मेरी प्यारी। तू आ जा बाहों में जाए केसर क्यारी, अरी नक आ जा बाहों में खिल जाए केसर क्यारी। अंगूठी सोने की लाऊं, सभी श्रृंगार में दिलवाऊं। अंगूठी सोने की लाऊं।
सभी श्रृंगार में दिलवाऊं, तो कूं साड़ी लेने मैं दिल्ली कूं जाऊं, हरी तो कूं साड़ी लेने मैं दिल्ली कूं जाऊं, मैं तो कूं लाए दंगो चोली जयपुर वारी, निक आ जा बाहों में खिल जाए केशर प्यारी, हरी निक आ जा बाहों में खिल जाए केशर प्यारी, हरी निक आ जा बाहों में खिल जाए केसर प्यारी। अब बन जा घरवारी, अरी तू प्राणन ते प्यारी मेरी, अब बन जा घरवारी, तेरी मेरी जोड़ी होएगी सब ते न्यारी, तेरी मेरी जोड़ी होएगी सब ते न्यारी, डोले बालक घर में खिल जाएगी फुलवारी, निक आ जा बाहों में खिल जाए केसर प्यारी, हरी निक आ जा बाहों में खिल जाए केसर प्यारी, हरी निक आ जा बाहों में खिल जाए केसर प्यारी। समझाके कहियो मत लुकाते जाके, कहूँ मैं तो ते समझाके कहियो मत लुकाते जाके, तू वाकू ना जाने है तेल लगाए के, अरी तू वाकू ना जाने है तेल लगाए के, संग सुशील मौज करे होएगी खातिरदारी, निक आ जा बाहों में खिल जाए केसर प्यारी, हरी निक आ जा बाहों में खिल जाए केसर प्यारी, हरी निक आ जा बाहों में खिल जाए केसर प्यारी, हरी निक आ जा बाहों में खिल जाए केसर प्यारी, हरी निक आ जा बाहों में खिल जाए केसर प्यारी।